दोस्तों नमस्कार, यह है WDG4G लोकोमोटिव की कंप्यूटर स्क्रीन। WDG4G लोकोमोटिव पर कार्य करते समय WDG4G लोकोमोटिव की कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसे मैसेज आपको कई बार देखने को मिलते होंगे, ईएबी टू चेंज मोड, मोड टू फुल। ये जो आप मैसेज देख रहे हैं, ये मैसेज एक्चुअली आया क्यों है, क्योंकि ईएबी मूड स्विच को बदलते समय सही प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। ईएबी मूड स्विच एज एचएचपी लोकोमोटिव में एलटी स्विच होता था, वो यहाँ पे ईएबी मूड स्विच के नाम से जाना जाता है। ईएबी मूड स्विच को बदलते समय यदि सही प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया तो ये मैसेज देखने को मिलेगा। यदि सही प्रक्रिया को अपनाया जाए तो ये मैसेज देखने को नहीं मिलेंगे। और एक बात, ईएबी मूड स्विच की पोजीशन बदलते समय यदि सही प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे तो और परेशानी खड़ी यह होगी कि ईएबी जब भी मूड स्विच की पोजीशन बदलेंगे उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपको जो सही प्रक्रिया है उसे करने का मैसेज बार बार देगा। ये मैसेज आप ईएबी की डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं जो आप सामने देख रहे हैं अभी, और WDG4G की कंप्यूटर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये मैसेज एक साथ में दो स्थानों पर प्रदर्शित होता है और जो मैसेज होता है उस मैसेज में सही प्रक्रिया को फॉलो करने का, ये देखिए ये बिल्कुल रॉन्ग तरीके से ईएबी मूड स्विच की पोजीशन को अभी बदला गया है। ये लीड में था, हेल्पर पे लाए हैं, ये सही तरीका नहीं है। इस तरीके से हेल्पर पे या दूसरे मूड में जाना है, जैसे अभी लीड से हेल्पर में आया, अभी हेल्पर से यदि लीड में जाना है तो उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर तरीका अपनाया जाएगा, कोई मैसेज नहीं मिलेगा। परंतु देखिए अभी ये सही तरीका नहीं है जिस तरीके से हेल्पर से हम लीड पे आए। अभी देखिए सीधा मैसेज मिला है, टू चेंज मूड, मूड टू फुल सर्विस। डिस्प्ले पे ईएबी की डिस्प्ले पे भी था, कंप्यूटर डिस्प्ले पे भी वही मैसेज है, ईएबी टू चेंज मोड, मूड टू फुल सर्विस। अब हमें इसको फॉलो करना होगा। यदि हम उसके लिए ऑटो ब्रेक हैंडल को फुल सर्विस पे लेने के लिए बोल रहा है, ऑटो ब्रेक हैंडल को फुल सर्विस पे ले लिया हमने, सेट मोड ट्रेल। अब इसको ट्रेल पे लेना होगा, मूड स्विच को ट्रेल पे लेना होगा। दोनों स्थानों पे सेम मैसेज प्रदर्शित हो रहा है, ट्रेल पे लेना होगा और थोड़ा वेट करना होगा। देखिए फास्ट ब्रेकिंग ट्रेल एंड गुड्स, यहाँ पे इसको अब एक्सेप्ट कर लिया है। अब फिर से लीड पे लाएंगे, अब थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे फास्ट ब्रेकिंग लीड एंड गुड्स। अब हम ऑटो ब्रेक हैंडल को रिलीज कर सकते हैं। सही तरीका नहीं अपनाया था, इसीलिए कंप्यूटर ने खुद ने बताया है कि इस तरीके से आप करिए तब ये मान्य होगा। अभी देखिए हेल्पर पे है, हेल्पर से हमें लीड पे लेना है, सबसे पहले ऑटो ब्रेक हैंडल को फुल सर्विस पे ले जाइए। हेल्पर से हमें लीड पे आना है, उससे पहले क्या करना था, ऑटो ब्रेक हैंडल को फुल सर्विस पे ले गए। अब हम हेल्पर से लीड पे आ रहे हैं, लीड पे आ गए, देखिए डायरेक्ट मैसेज आएगा यहाँ पे, एक्सेप्ट करेगा सीधा सीधा, क्योंकि सही प्रक्रिया को फॉलो किया गया है। कुछ नहीं करेंगे, थोड़ी देर वेट करिए, एक्सेप्ट करेगा सीधा सीधा। फास्ट ब्रेकिंग लीड एंड गुड्स, देखिए लीड पोजीशन को इसने एक्सेप्ट कर लिया है, मूड स्विच ने एक बार में लीड पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप समझ गए होंगे सही प्रक्रिया क्या है। सही प्रक्रिया यह है, ये भी मूड स्विच की पोजीशन को बदलने से पहले ऑटो ब्रेक हैंडल को फुल सर्विस पे रखना होगा। जब भी ईएबी की मूड स्विच की पोजीशन बदले उससे पहले ऑटो ब्रेक हैंडल को फुल सर्विस पे रख के आप ईएबी मूड स्विच को जिस भी पोजीशन पर करेंगे, लीड से ट्रेल पर करेंगे, हेल्प पर करेंगे, टेस्ट पर करेंगे, सभी पोजीशनों को एक्सेप्ट करेगा। परंतु एक ध्यान रखना है, मूड स्विच की पोजीशन बदलने से पहले ऑटो ब्रेक हैंडल को लाना होगा फुल सर्विस पे और आपको कोई मैसेज नहीं मिलेगा, डायरेक्ट एक्सेप्ट करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स करें। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो।